Hello, my dear young students, my scholars, and thanks for watching my channel and praising and recommended. Okay, now myself Renu, and you are most welcome in my channel, Nayab Thoughts in English. And today I am going to teach you class 8 Honeydew, chapter number 4, and Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. And this is chapter explanation in NCERT English. और मैं आपको chapter का explanation आपको दूंगी. सिर्फ इसका first part पढ़ाऊंगी, क्योंकि इससे पहले थोड़ी सी summary भी आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको chapter के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता चले और किस type से chapter को जो है वो आगे forward करना है. Now the chapter is written by Satyajit Ray. आपको पता है Satyajit Ray जो है वो इंडियन डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं और ऑथर हैं. बहुत बड़े ऑथर थे ये. तो इन्होंने बहुत सी ऐसी मूवीज़ लिखी हैं जिनको बहुत सारे अवॉर्ड मिले हैं. एंड ही डाइड इन 1992. नाउ द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. मेमोरी आपको पता है ये आदर्श होती है. बिपिन चौधरी इसके जो है वो मेन कैरेक्टर हैं. और लैप्स का मीनिंग क्या होता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ लैप्स. अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फॉरगेट्स थिंग्स दैट ही और शी शुड हैव रिमेम्बर्ड. कि एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब व्यक्ति जो है सबको जो याद किया हुआ था उसको ना उसे भूल जाता है, तो इसे लैप्स कहते हैं. ओके तो मेडिकल लैंग्वेज में आप इसे एमनेशिया भी कह सकते हैं. एमनेशिया कहते हैं इसे, कि जब व्यक्ति जो है वो बहुत सारी बातों को जो है एकदम से भूल जाता है. तो यहाँ पर लैप्स का ये मीनिंग है. तो दिस इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी. ये बहुत ही व्यंग से भरी हुई कहानी है और बहुत हंसी आती है लास्ट में कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ में, जो मेन कैरेक्टर हैं बिपिन चौधरी के साथ में ऐसा क्यों हुआ. और बिपिन चौधरी जो है वो ही इज़ एंट्रैप्ड बाय चुन्नीलाल. चुन्नीलाल उनके फ्रेंड हैं, स्कूलमेट थे उनके. और कैसे चुन्नीलाल ने उनको अपने जाल में फंसाया और कैसे उनको उनकी मेमोरी लैप्स होने के लिए उनको ट्रिक किया, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. और इस स्टोरी को जब आप सुनेंगे तो आपको लास्ट में एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट इस कहानी के अंदर आता है. और कहानी में लगातार क्यूरियोसिटी लगातार बनी रहती है कि कैसे जो है वो चुन्नीलाल जो है उनको ट्रिक करता है, अपने दो तीन फ्रेंड्स की हेल्प से जो है उनको ट्रिक करता है और उन्हें विश्वास दिला देता है बिपिन चौधरी को कि उनकी मेमोरी जो है बिल्कुल लैप्स हो गई है, वो भूल गए हैं. तो बड़े परेशान से हो जाते हैं वो. और जो है बिपिन चौधरी कैसे एक आदमी से बुक स्टोर पर मिलते हैं और आदमी उन्हें कैसे कहता है कि वो रांची गए थे. और बिपिन चौधरी को बिल्कुल भी याद नहीं आता कि वो रांची कब गए थे कब नहीं गए थे. तो 1958 की बात करता है और कहते हैं कि आप अपने फ्रेंड से भी पूछिए. और कई एक जगह से वो कंफर्म भी करते हैं. और कैसे कंफर्म करते हैं, नाउ ही इज़ टोटली एंट्रैप्ड बाय चुन्नीलाल. चुन्नीलाल ने उन्हें पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया. और कैसे उन्हें विश्वास हो जाता है कि वो रांची गए थे और वो भूल गए हैं. और इसी चक्कर में वो रांची भी जाते हैं डॉक्टर के कहने पर, डॉक्टर परेश चंदा के कहने पर वो जाते भी हैं रांची. और वहाँ जा कर के उन्हें क्या होता है, वापस आकर क्या होते, दिस इज़ ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ द ग्रेटेस्ट ट्विस्ट एंड यू विल रीड इन द स्टोरी. नाउ आई एम गोइंग टू द लेसन डायरेक्टली. बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. और बिपिन चौधरी जिनकी याददाश्त जो है वो लैप्स हो गई है और कैसे लैप्स हो गई है उनकी याददाश्त जो है वो. नाउ डू यू हैव अ गुड मेमोरी. क्या आपकी अच्छी याददाश्त है. हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू. क्या आपकी याददाश्त आपके ऊपर भी कोई ट्रिक चलाती है. फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. ये जो स्टोरी है इसमें बहुत सारे ईडियम्स
यूज़ किए हुए हैं ईडियम की वजह से स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है। ईडियम का एक आपको वीडियो बनाकर, इसी स्टोरी के जितने ईडियम्स हैं वो सारे एक वीडियो बनाकर आपको शो करूँगी, और कैसे आपको समझ में आएगा कि कितने सुंदर ईडियम जो हैं वो यूज़ किए हैं। टाइट स्पॉट का मीनिंग भी यहाँ एक ईडियम है ये, कि हमारा भुलक्कड़पन जो है अक्सर हमें टाइट स्पॉट का मीनिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देता है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन अपनी लाइफ का एक हिस्सा भूल जाना कम्प्लीटली पूरी तरह से, मे ड्राइव यू क्रेजी, आपको पागल बना देता है कि मैं अपनी लाइफ का एक हिस्सा भूल गया कि मैं इस जगह पे गया और मुझे याद ही नहीं आ रहा। नाउ इन दिस स्टोरी, और इस कहानी में बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी, बिपिन बाबू लगभग नट्स हो जाते, पागल हो जाते हैं, बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं आता कि वो रांची कब गए और वहाँ पर कब ठहरे। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, उन्हें अच्छे से याद है कि वो रांची कभी नहीं गए। ही इंसिस्ट, और बड़ी स्ट्रांगली वो जो है इस बात को कहते भी हैं, दो देर आर मैनी विटनेसेस, हालांकि बहुत सारे गवाह हैं, चाहे वो झूठे गवाह हैं लेकिन बहुत सारे गवाह हैं, टू द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मीनिंग इसके ऑपोजिट। मैंने बेटा सारे वर्ड मीनिंग जो है वो डाल दिए हैं वीडियो बना करके, आप वर्ड मीनिंग ले सकते हैं, सारे ऑल 73 वर्ड मीनिंग मैंने डाल दिए हैं। तो कॉन्ट्रेरी का मीनिंग होता है जस्ट ऑपोजिट, और सारे के सारे गवाह हैं, टू द कॉन्ट्रेरी उनकी बात को जो है वो निगेट करने के लिए ऑपोजिट जो है, उनके ऑपोजिट बहुत सारे विटनेस हैं। वॉट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट, और इस कहानी में क्या थ्रिल है, क्या सस्पेंस है, क्या क्या डाउट्स क्रिएट होते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ आई एम गोइंग टू द फर्स्ट पार्ट। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, हर सोमवार को अपने काम से घर आते हुए विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण्स इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। विपिन चौधरी जो हैं वो उतरते हैं अपनी गाड़ी से कालीचरण की दुकान पर, जो कि न्यू मार्केट में बनी है, और किस लिए, टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। तो उनको जो विपिन चौधरी का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप उसे पॉइंट आउट करते आइए। विपिन चौधरी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। नाउ क्राइम स्टोरीज कौन कौन सी पढ़ते हैं वो, अपराध की कहानियाँ, घोस्ट स्टोरीज, भूत की कहानियाँ एंड थ्रिलर्स, एक्साइटिंग स्टोरीज। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम, 5 मीनिंग 5 किताबें, एक बार में वो 5 किताबें खरीद लेते हैं, टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, जो कि पूरे हफ्ते उनकी चलती हैं। ही लिव्ड अलोन, नाउ इट इज़ ऑल्सो द कैरेक्टर स्केच कि जो बिपिन बाबू हैं वो अकेले रहते हैं, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, बिल्कुल भी किसी लोगों से फैमिलियर नहीं है, दैट ही इज़ अनफ्रेंडली, ही इज़ अनफेमिलियर, लोगों से मिलते जुलते ज़्यादा नहीं हैं, हैड फ्यू फ्रेंड्स, इसीलिए उनके बहुत कम दोस्त हैं, एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और उनकी खासियत भी है कि बे वर्थलेस टॉकिंग, बेकार की बातों में अपना समय व्यतीत करना उन्हें पसंद नहीं है। टुडे आज एट कालीचरण्स, और कालीचरण की दुकान पर जहाँ वो किताबें खरीदने गए थे, विपिन बाबू हैड द फीलिंग, विपिन बाबू को कुछ ऐसी फीलिंग आई, उन्हें कुछ ऐसा लगा, दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम, कि कोई उन्हें ताड़ रहा है, कोई उन पर नज़र रखे हुए हैं फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। एक ये क्लोज क्वार्टर्स मुहावरा है कि बहुत नज़दीक से, वेरी नियर। नाउ ही टर्न्ड राउंड, और वह घूमे एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड, उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति जिसका गोल चेहरा है, मीक लुकिंग मैन, मीक का मतलब जो कि कायर, डरपोक, दब्बू जैसा लगने वाला आदमी है, हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, और बिपिन बाबू जैसे ही मुड़े उनको देखते ही उसने स्माइल की। नाउ आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना है। हैव यू मेट बिफोर, आस्क बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने पूछा, क्या हम कहीं पहले मिले हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, आदमी को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। कौन सा आदमी, वो आदमी जो कि कालीचरण, जो कि बुक शॉप है, वहाँ पर बिपिन बाबू को मिला। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम पूरे हफ्ते मिले,
आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुदरू फॉल्स, और मैंने तुम्हारे लिए कार का प्रबंध किया था जो कि हुदरू फॉल्स तुमको लेकर के गई थी। ये देखिए नाउ इन द पिक्चर बिपिन बाबू इज़ हेयर, आप बिपिन बाबू को देख सकते हैं और यहाँ पर किताबें खरीद रहे हैं वो, और पीछे ही यहाँ पर कौन खड़ा है, वो आदमी खड़ा है जो कि उनको लगातार घूर रहा था, लगातार उनका पीछा कर रहा था। नाउ इन 1958 इन रांची, 1958 में रांची में, माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है, उस आदमी ने बताया। रांची, परिमल बाबू ही क्वेश्चन, उन्होंने सवाल किया रांची गया था मैं? नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट, और बिपिन बाबू को महसूस हुआ कि ये नहीं था, ऐसा नहीं था। क्या नहीं था? ऐसा नहीं था दैट ही डिड नॉट गो टू रांची इन 1958 एज टोल्ड बाय परिमल घोष। ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, लेकिन ये आदमी शायद गलती कर रहा था। कौन सी गलती कर रहा था? परिमल बाबू जो हैं वो बिपिन बाबू को पहचानने की गलती कर रहे थे। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू रांची कभी नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट, और उन्होंने बहुत बार इसको याद करने की कोशिश की बट नेवर मेड, लेकिन कभी उस बात को वह पा ही नहीं सके। ही स्माइल्ड एंड सैड, और उसने वह मुस्कुराया और कहा, उस आदमी ने, ही हेयर रेफर्स टू परिमल घोष, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज हिज आईब्रोज, परिमल घोष ने अपनी आईब्रोज उठाई, बिट हिज टंग, अपनी जुबान को चबाया, एंड सैड, और कहा, डू आई नो यू, और क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी, और कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को? बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्स, और बिपिन बाबू ने उसे इग्नोर किया, और बिपिन बाबू क्योंकि उसे जानते तो है नहीं, और बिपिन बाबू ने उसे इग्नोर किया और बुक शेल्स की ओर मुड़ गए, एंड सैड, और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, देखो अभी भी तुम गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, अक्सर एक व्यक्ति ऐसा कर देता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाउड अलाउड, आदमी कौन, परिमल घोष, आप बहुत तेज हंसा। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी आप क्या कह रहे हैं? यू हैड ए फॉल इन हुदरू, अरे हुदरू में तो तुम गिर गए थे, एंड कट योर राइट नी, और तुम्हारे सीधे घुटने में चोट लगी थी, कट गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन भी लाया था। आयोडीन चोट के ऊपर, घाव के ऊपर लगती है जिससे इन्फेक्शन ना हो जाए। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट, अरे मैंने तो तुम्हारे लिए कार का भी प्रबंध किया था नेतरहाट जाने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन तुम अगले दिन नेतरहाट नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घुटने में बहुत दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आता? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, क्या तुम जानते हो वहाँ पर कोई और भी उस समय रांची में मेरे साथ था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, मिस्टर दिनेश मुखर्जी थे, यू स्टेड इन अ बंगलो, तुम बहुत बड़े घर के अंदर, बंगले के अंदर ठहरे थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड, तुमने कहा था कि तुम्हें होटल का खाना पसंद नहीं है, एंड वुड प्रेफर टू हैव मील्स कुक्ड बाय, और तुमने कहा था कि मुझे खाना बावर्चियों के हाथ का बना, बावर्ची कौन होते हैं जो घर, जो कि बाहर खाना बनाते हैं, और तुमने कहा था कि मुझे ज़्यादा खाना पसंद है घर में जो खाना बनाते हैं, रसोइये होती हैं उनके हाथ का खाना मुझे ज़्यादा पसंद है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ ठहरे थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और मून पर जब लैंडिंग हुई थी, लोग जब चांद पर उतरे थे एस्ट्रोनॉट, उस बारे में तुमने बहुत बड़े बड़े तर्क भी दिए थे, बहस भी करी थी, रिमेम्बर, याद है तुम्हें? आई विल टेल यू मोर, मैं तो तुम्हें और भी बातें बता सकता हूँ। ये सब कौन कह रहा है बेटा? परिमल घोष।
ना उनको कन्विंस कर रहा है कि आप रांची गए थे और मैं आपको जानता हूँ. यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स. और जब भी तुम कहीं घूमने जाते हो, साइट सीइंग सुंदर सुंदर जगहें देखने जाते हो, तो तुम हमेशा एक बैग किताबों का अपने कंधे पर कैरी करते हो. एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली. बिपिन बाबू ने धीरे से कहा. हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स. उनकी आंखें अभी भी किताबों पर लगी थी. विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? अच्छा, कौन से महीने में? 58 ईयर है बेटा ये. 58 ईयर 1958 में कौन से महीने की तुम बात कर रही हो? आदमी ने कहा, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ. नो सर, सैड बिपिन बाबू. बिपिन बाबू ने कहा, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं. आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर. मैं तो पूजा में व्यस्त था 58 में कानपुर में. पूजा में, नवरात्र की पूजा में और दुर्गा की पूजा में मैं तो व्यस्त था. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. तुम तो गलती कर रहे हो. गुड डे. और बिपिन बाबू ने टालने के लिए गुड डे कहकर चलने लगे. बट द मैन डिड नॉट गो. लेकिन आदमी नहीं गया. कौन सा आदमी? परिमल घोष. नाउ नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग. ना ही उसने बोलना बंद किया. वेरी स्ट्रेंज. बहुत अजीब बात है. वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वेरांडा ऑफ योर बंगलो. और तुम्हारे बंगलो के आंगन में मैंने तो तुम्हारे साथ चाय भी पी थी. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली. तुमने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया था. यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन. तुमने बताया तुम्हारे बच्चे नहीं थे. एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर्स अगो. और तुमने अपनी पत्नी को भी खो दिया था 10 साल पहले. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन. तुम्हारा एक अकेला भाई था जो कि इनसेन मीनिंग मैड एंड क्रेजी, पागल हो गया था. विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची. और इसीलिए तुम रांची के मानसिक अस्पताल को देखना नहीं चाहते थे. व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स. और जब बिपिन बाबू ने किताबों के पैसे अदा कर दिए एंड वॉज लिविंग द शॉप. और वो दुकान छोड़कर जाने लगे. कौन सी दुकान? कालीचरण की दुकान है, न्यू मार्केट के अंदर बनी है. और द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीव. और अभी भी अविश्वसनीय रूप से, ना विश्वास करने रूप से आदमी लगातार. द मैन वॉज लुकिंग कॉन्स्टेंटली टू बिपिन चौधरी. बिपिन चौधरी को लगातार वो आदमी देखता जा रहा है. और बिपिन चौधरी के इतने ज़्यादा पर्सनल जो डिटेल्स हैं वो भी उसे मालूम हैं. तो अब इसमें कोई डाउट नहीं रहता कि वो रांची नहीं गए थे या फिर वो आदमी उनको नहीं जानता. तो कॉम्प्रिहेंशन चेक बेटा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करूँगी. राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कॉम्प्रिहेंशन चेक. और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डालूंगी, कॉम्प्रिहेंशंस भी डालूंगी और कॉम्प्रिहेंशन चेक भी आपको डालूंगी. और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए. और दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए. अगर कोई कमी आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए. आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ. और तब तक के नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड लक एंड गुड बाय माई डियर स्कॉलर्स.